द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर वायरल होने के मामले में बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ पुलिसकर्मियों की बदसलूकी के खिलाफ पत्रकारों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। RPASC की ओर से द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के दौरान हिंदी विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर चलाने पर बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदान देथा के साथ बाड़मेर पुलिस ने नियमों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण व अनुशासनहीन कार्रवाई करते हुए धक्का मुक्की पर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से ही बाड़मेर के पत्रकारों में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ रोष व्याप्त है। मामले को लेकर बाड़मेर के पत्रकारों द्वारा काली पट्टी बांधकर बाड़मेर पुलिस का विरोध किया जा रहा है। वहीं सोमवार को बाड़मेर के पत्रकारों ने शहर के महावीर पार्क में बैठक का आयोजन कर पुलिस की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से पत्रकार आहत की और राज्यपाल को ज्ञापन भेज बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। पत्रकारों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता कर पत्रकारों की सुरक्षा की मांग उठाई। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा लगातार पत्रकारों को टारगेट दिया जा रहा है कि इससे पूर्व भी वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को पटना से व्हाट्सएप पर मिले एक नोटिस के आधार पर गिरफ्तार कर पटना भेज दिया था। इसके अलावा पत्रकार पप्पू ब्रजपाल को भी एक मामले में घसीटते हुए परेशान किया गया।